ये तस्वीरें इस बात की जीती जागती गवाह हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र हर बारिश में गंदगी से अटे पड़े इन नालों के कारण जल भराव की समस्या से परेशान होती थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, नगर परिषद द्वारा भारी बारिश से पहले समय रहते गंदगी से भरे इन नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इससे न केवल कुरुक्षेत्र को भारी बारिश होने की स्थिति में बाढ़ जैसी विभीषिका से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, बल्कि हाल ही में लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़कों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। नगर परिषद द्वारा बीते कई दिनों से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस काम में 10 जेसीबी मशीनें और 200 से अधिक सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं। उनकी इस मेहनत को आप नीचे की तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार सफाई के बाद इन नालों में पानी धारा प्रवाह आगे बढ़ रहा है। अब बारिश का पानी भी इन नालों में अपनी जगह होने पर सड़कों पर इकट्ठा होने की बजाय इन नालों में जाएगा, जिससे सड़कों पर जल भराव भी नहीं होगा और सड़कें भी सेफ रहेंगी। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर जाकर इन सफाई कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, जिसका खामियाजा बारिश आने की स्थिति में कुरुक्षेत्र वासियों को भुगतना पड़े। लगातार चल रही सफाई के दौरान इन नालों से निकलने वाली गंदगी को भी तुरंत वहां से उठाया जा रहा है, ताकि मच्छर व बदबू आसपास ना फैले। अधिकारियों और कर्मचारियों की इस गंभीरता और मुस्तैदी को देखते हुए शहरवासी भी कहने लगे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब की बार कुरुक्षेत्र वासियों को लगने लगा है कि बारिश की स्थिति में उन्हें पिछले वर्ष की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा।